हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम, संस्कृत मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग 3, अष्टम पाठ पर्यावरण संरक्षणम। पर्यावरण का संरक्षण यानी कि सेव एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए चलते हैं पाठ की ओर। अस्माकं संरक्षणाय संवर्धनाय च प्रकृति सदैव यत्नं करोति। हमारी प्रकृति सदैव हमारी रक्षा और संवर्धन के लिए क्या रहती है, प्रयत्नशील रहती है। सागरा पर्वता वनानी नद्य सरांसी सर्वाणी जगत सुखानी संवर्धयति। यानी कि महासागर, पर्वत, वन, नदियाँ और झीलें, जंगल, सभी जो है हमारे संसार को, संसार की खुशियाँ बढ़ाते हैं। सभी हमारे क्या करते हैं, संसार की खुशियाँ बढ़ाते हैं। प्रसन्ना तस्या वायो विकारान स्वयं पिबंती। खुश होकर वे उसकी हवा के उतार चढ़ाव का आनंद लेते हैं। अस्मभ्यम स्वास्थ्यप्रदम वायुमंडलम प्रयच्छन्ती। और वे हमें एक स्वस्थ वातावरण क्या देते हैं, प्रदान करते हैं। वे हमें एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। कौन कौन प्रदान करते हैं हमें स्वस्थ वातावरण, प्रकृति हमें स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। पत्राणी पुष्पाणी वनानी फलानी प्रदाय इमे अस्माकं बहु उपकारं कुर्वन्ती। पत्ते, फूल, वन और फल प्रदान करके हमारे ऊपर बहुत उपकार करते हैं। वातावरणस्य वायोश्च परिशोधनम कुर्वन्ती। ये वातावरण को और वायु को परिशोधन करते हैं यानी कि शुद्ध करते हैं। न केवलम वनानि अपितु वन प्राणी ने सागर जंतवश्चापि पर्यावरणस्य संतुलम स्थापयन्ति। ये न केवल जंगल बल्कि जंगल के जानवर और समुद्री जानवरों का भी, के पर्यावरणों का भी संतुलन बनाए रखते हैं। संप्रति तैल चालितानि यानानि यंत्राणि च स्वकीय धूमई स्वस्थम वायुमंडलम भ्रशम प्रदूषयन्ति। वर्तमान में, संप्रति माने आजकल, वर्तमान में तैल चालितानि तेल से चलने वाले यान यानी कि वाहन और मशीनरी अपने धुएं से, स्वकीय धूमई माने अपने धुएं से स्वस्थ वातावरण को भी गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। कौन कौन, जो तेज से चलने वाले यंत्र हैं और वो अपने धुएं से क्या कर रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण प्रतिक्षणम वर्धते। वायु का प्रदूषण हर क्षण बढ़ता ही जा रहा है। शिलाखंडान विदार्य वनानी च विच्छिद्य निर्मितेषु गृह मार्गेषु यानानी धावंती अस्त्राणाम परीक्षण ही समुद्रस्य वातावरणम प्रदूषितम भवति। चट्टानों, शिलाखंडान यानी कि चट्टानों को चीरकर और जंगलों को साफ करके, यानी कि विदार्य वनानी वो जंगलों को साफ करके, च विच्छिद्य और उनकी बनाए जाने वाली निर्मितेषु गृह मार्गेषु यानानी और क्या हो रहा है, जंगलों को साफ करके बनाई गई पहाड़ी सड़कों पर क्या करते हैं, जो वाहन है वो दौड़ते हैं। अस्त्राणाम परीक्षण ही समुद्र से वातावरणम प्रदूषितम भवति। हथियारों के परीक्षण क्या कर रहे हैं, हमारे समुद्री वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जो हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है उससे हमारा समुद्री वातावरण बिल्कुल दूषित हो रहा है। यथा यथा प्रवर्धते प्रस्तरमयाणाम मार्गाणाम संख्या तथा तथा वर्धन्ते प्रदूषण प्रस्तरकारिणी यानानि यंत्राणि च। जैसे जैसे पक्की सड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही वैसे प्रदूषण फैलाने वाले पक्के वाहनों और मशीनरी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एतद् विपरीतम तथा न वर्धन्ते वायुमंडलम। ये विपरीत है और वातावरण को क्या कर रहा है, शुद्ध करने के कोई बढ़ते साधन नहीं है। ये विपरीत है और वायुमंडलम परिशोधनाय साधनानि, वायुमंडल को, वातावरण को शुद्ध करने के कोई बढ़ते साधन नहीं है। स्वल्पतराय लाभाय लोभात अज्ञानात वा जना स्वकीयम बहु विनाशयन्ति। क्या कर रहे हैं लोग, थोड़े से लालच से और थोड़ी सी अज्ञानता से अपने लाभ के लिए, लालच के लिए अपना बहुत कुछ नष्ट
कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पहाड़ी मार्गों पर पक्की सड़कें बनाने के लिए पहाड़ काट दिए जाते हैं, वहाँ पर और इंतज़ाम करने के लिए सड़कें काटी जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा वातावरण दूषित हो रहा है और इसका हमें बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और मिल भी रहा है कि पहाड़ों पर जाने पर आजकल देख रहे हैं आप लोग बच्चों कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि पक्की सड़कें बनाए जाने की वजह से उन पर यंत्र चल रहे हैं, उन पर वाहन चल रहे हैं और उससे वहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, इमारतें, उससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और ये हमारा एक लालच और हमारी अज्ञानता ही है जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। वन प्राणी ने मनोविनोदाय हसहिंसंती कतिपय लोभेन वनानि छिन्नंती। जंगल के जानवर आनंद के लिए तो हिंसक होते हैं और कुछ लोग लालच के लिए क्या करते हैं, लालच के कारण करनी चाहिए। ग्रामेषु नगरेषु स्थाने स्थाने उद्यानानि समारोपणीयानि। गांवों और शहरों में जगह जगह क्या करने चाहिए, बाग बगीचे लगाए जाने चाहिए। वन प्राणी नाम संरक्षणाय अरण्यानाम संख्या वर्धनीया। वन्य जीवों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वनों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। वृक्षाणाम उच्छेदय रोधनीय येन सागरा निर्बाधम समुल्ल संतु गगनमंडलम स्वच्छम भवतु। क्या हो रहा है इससे, वृक्षों की कटाई, जो वृक्षों को काटा जा रहा है उस कटाई को रोका जाना चाहिए ताकि क्या हो कि महासागर स्वतंत्र रूप से विकसित हो, हमारा महासागर आजादी रूप से विकसित हो सके। निर्बाधम समुल्लसतम गगनमंडलम स्वच्छम भवतु। और इससे क्या होगा, हमारा आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा और अरण्यानाम संख्या वर्धनीया, नदी जंगलों की संख्या ये है, स्वच्छम भवतु पर्वतेषु औषधय नदी स्रोतांसि च संवर्धताम। हमें क्या करना चाहिए, पहाड़ों में जड़ी बूटियों और जिससे कि नदी और झरने और ज़्यादा पनपे, उनका और ज़्यादा विकास हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए और महासागर को स्वतंत्र रूप से विकसित कर देना चाहिए जिससे कि हमारा आकाश स्वच्छ हो जाए और हमारी पहाड़ों में जो जड़ी बूटियाँ हमें पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं और नदी झरने हमारे सब विकसित होने लगे, वो पनपने लग जाए, उसके लिए हमें वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए। वन्य जीव जंतुओं को जो मारा जाता है उसको भी रोका जाना चाहिए, तभी हमारा वातावरण शुद्ध हो सकेगा। इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए हम इस कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। सरीसी यानी कि तालाब, जंतव्य माने जीव या प्राणी, तैल चालितानी माने तेल से चलने वाले, यानानी वाहन, विच्छेद माने काट कर, नीराणी जल को, रोधनीय माने रोका जाना चाहिए, समारोपणीयानी माने लगाए जाने चाहिए, ये इस पाठ के शब्द और अर्थ है। पाठ का अभ्यास कर रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बच्चों। पहली एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, संप्रति कानी स्वकीय धूमई वायुमंडलम दूष्यंती। तैल चलितानी यानानी यंत्राणी वायुमंडलम दूष्यंती। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रकृति किमर्थम कस्वार्थम च सदैव यत्नम करोति। अस्माकं रक्षणाय संवर्धनाय च।
बगीचे की लगाने टाइम। एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों हमारी, से उत्तर को चिन्ह कितना है। जैसे एला है अस्माभ्यं स्वास्थ्य प्रदान प्रयच्छति, हमारा स्वास्थ्य कौन देता है, हमारा वायुमंडल से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अस्त्राणां परीक्षणै वातावरणं प्रदूषितं भवति, अस्त्रों के परीक्षण से किसका वातावरण प्रदूषित होता है, जलस्य समुद्रस्य या नगरस्य, समुद्रस्य वातावरण प्रदूषित होता है। प्रदूषितेन जलेन नदीनां नीराणि परिदूष्यन्ति, प्रदूषित जल से नदियों का जल प्रदूषित किसे करता है, यमुना कावेरी या गंगा कावेरी, गंगा कावेरी को। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए हमने उचित उत्तर पर उचित का निशान लिखाया लगाया। एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारी, निम्नलिखित पदों की विभक्ति वचन और लिंग लिखने हैं। जैसे वनानि, वनानि क्या विभक्ति क्या है, प्रथमा वचन बहु, और वन क्या है, वन काटे जा रहे हैं वन नपुंसकलिंग। फलानि, फलानि प्रथमा विभक्ति, फलम फले फलानि, बहुवचन और लिंग नपुंसकलिंग। वातावरणस्य, वातावरणस्य में विभक्ति है हमारी षष्ठी विभक्ति, वचन द्विवचन और लिंग वातावरण नपुंसकलिंग। लाभाय, लाभ के लिए विभक्ति चतुर्थी, द्विवचन लाभ, लाभ मिल रहा है पुल्लिंग। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना पाठ में आए हुए कुछ पद हैं उनकी विभक्ति वचन और लिंग के बारे में जाना। अब यहां हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे पहला वाक्य है, समुद्र प्राणी नाम हिंसनम कुर्वन्ति, समुद्र प्राणियों की हिंसा करते हैं, वनानि यत्नतः रक्षणीयानि, वनों का, वनों की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, वन प्राणी नाम संरक्षणाय अरण्याम संख्या वर्धनीया, वन प्राणियों की, वन प्राणियों की के संरक्षण के लिए यानी कि उनकी रक्षा के लिए जंगलों को बढ़ाया जाना चाहिए, जंगलों की संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब वन काटे जा रहे होते हैं तो वन के जो प्राणी हैं वो शहरों की तरफ भागते हैं, फिर ये होता है कि शहरों में ये वाला प्राणी, ये वाला हिंसक पशु आ गया, जब वन काटे जाएंगे तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे। अस्त्राणां परीक्षणे समुद्र से वातावरण प्रदूषित होता है, अस्त्रों के परीक्षण से, अस्त्रों के परीक्षण से समुद्र का वातावरण, समुद्र का वातावरण प्रदूषित होता है। एक्सरसाइज नंबर 6 है, संस्कृत में अनुवाद करो। ये कुछ वाक्य हैं, सागर हिलोरे लेते हैं सागरा,
सम्मुले संतु वन शोभित होते हैं, वना सुशोभंती, वना सुशोभंती वातावरण वायु का परिशोधन करता है, वातावरण वायु परिशोधनयति या परिशोधनम करोति। अस्त्रों के परीक्षण से समुद्र का जल प्रदूषित होता है। अस्त्राणाम परीक्षणई, अस्त्राणाम परीक्षणई समुद्रस्य वातावरणम्, समुद्रस्य वातावरणम् प्रदूषितम् भवति। इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए कुछ वाक्य थे, हिंदी का हमने संस्कृत में अनुवाद किया और संस्कृत के वाक्यों का हमने हिंदी में अनुवाद किया। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाक्य बनाइए, एक्सरसाइज नंबर 7। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। समुद्रस्य वातावरणम्, प्रदूषति, परिशोधनम्, वातावरण परिशोधनम् करोति, साधनानि अनेकानि साधनानि प्रयोगः, अनेकानि साधनानि प्रयोगः भवति। स्वास्थ्यप्रदम् औषधय स्वास्थ्यप्रदम् भवति। तो इस प्रकार बच्चों ये जो शब्द आए थे उनका हमने वाक्य में प्रयोग किया। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई भी छोटा संस्कृत में वाक्य बनाने आपको। ये हमारा एक्टिविटी कार्य है, इसमें आपने जो वर्तमान में हमारा वातावरण कैसा है, आजकल हमारा वातावरण कैसा चल रहा है और इसके शुद्ध जो इतना प्रदूषित हो रहा है इसकी शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर आपको कुछ लिखना है। कुछ बना भी सकते हो चित्र कि हम वातावरण को शुद्ध कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार हम अपने वातावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। ये बनाकर आप रचनाकार रहे, अपनी एक्टिविटी कॉपी में बनाइए और अपने टीचर को दिखाइए। ये आप होमवर्क में करिए और आप ये एक्टिविटी कार्य अपने टीचर को दिखाना कि हमने बनाया मैम या सर, कि देखिए हमने बनाया कि हमारा जो वातावरण आजकल इतना प्रदूषित हो गया है इसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ये बनाकर चित्र के द्वारा या लेख के द्वारा आप कोई वाक्य लिखकर उसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि हमारा वातावरण कैसे कैसे दूषित हो रहा है और हमें उसको कैसे कैसे उसको प्रदूषित होने से रोकना है, उसका बचाव करना है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।